हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत कुमार। आप हमें सुन रहे हैं जीनियस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक DI का सेट लेके आया हुआ हूं, जो कि आपको बैंकिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा, बैंकिंग में भी देखने को मिलेगा, प्लस SSC रेलवे एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बैंकिंग में दोस्तों ये जो DI है, जो जो DI का सेट है, वो बैंकिंग में, आपको बैंकिंग कहने का मतलब, इसमें प्री में आप लोगों को दोस्तों प्री में 5 मार्क्स का, 5 to 15, 5 to 10 कहिए दोस्तों, 5 to 10 मार्क्स का, क्लर्क में 5 to 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा, जबकि PO में आपको 10 to 15 मार्क्स का देखने को मिलेगा। दोस्तों, DI प्री में, बैंकिंग में, PO में 10 to 15 मार्क्स का देखने को मिलेगा, जबकि क्लर्क में 5 to 10 मार्क्स का देखने का मिलेगा। दोस्तों, तो एक DI सेट आज हम करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम सेकेंड DI सेट करेंगे। आज DI सेट है जो दोस्तों, वो एक जो आपका टेबलर ग्राफ है, टेबलर ग्राफ लेके आया हुआ हूँ। देखते हैं क्या बोल रहा है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि एक कंपनी है द्वारा 1999 से 2003 तक 3 प्रकार के टायर का उत्पादन लाखों में कर रहे हैं। दोस्तों, मतलब 1999 से लेकर के दोस्तों 2003 तक, यानी 99, 100, 1, 2, 3, टायर 1, टायर ए, टायर बी, टायर सी, 3 प्रकार का टायर है, वो क्या कर रहा है, लाखों में अपना उत्पादन कर रहा है। दोस्तों, कहने का मतलब 1999 अगर लेते हैं तो ए में कितना कर रहा है, तो 30-20 के बीच का है, तो यानी कि ये 25 कर रहा है। बी कितना कर रहा है दोस्तों, तो 20 कर रहा है। सी कितना कर रहा है दोस्तों, तो 30 कर रहा है। कहने का मतलब ये जो ग्राफ दिया हुआ है, उस हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उस हिसाब से काम करेंगे। और इसी प्रकार देखते हैं तो 2002 में कितना, कैसे कैसे है, तो ए का कितना है, 20 है। बी का कितना है दोस्तों, तो 30 है। और सी का कितना है दोस्तों, तो 25 है। इसी प्रकार 2001 का देख रहे हैं, तो ए 30 है, बी आपका 25 है, और सी आपका 20 है। इसी प्रकार नेक्स्ट सो ऑन, इसी टाइप से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो देखो, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूवमेंट करते हैं, और क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पे मूवमेंट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस हिसाब से अपना सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि वर्ष वर्ष 2000 वर्ष 2000 से 2001 में सी प्रकार के टायर के उत्पादन में कितना प्रतिशत की कमी आई है। मतलब कहने का मतलब, ये जो सी प्रकार का टायर, कौन प्रकार है, सी प्रकार का, ये 2000 से 2001 में, 2000 से, इस पी बोल रहा है, 2000 से 2001 में कितना प्रतिशत का कमी आया है। तो वो ग्राफ में हमको देखना होगा दोस्तों। तो ग्राफ में देखते हैं दोस्तों, तो ग्राफ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला था कि 2000 से 2001 में, 2000 से, ये 2000 है, ये 2001 है, ये 2000 से 2001 में सी प्रकार के टायर, मतलब ब्लैक वाला पे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना है, 25 है, यहाँ कितना है, 2000 में 25 है, और 2001 में कितना है आपका, 20 है। कहने का मतलब कितना का कमी आया है, यहाँ 2001 में तो 20 है, और 2000 में आपका 25 है। कहने का मतलब 5 का कमी आया है दोस्तों। तो 5 आपका 2000 में कितना था दोस्तों, तो 25 था। 2001 में कितना था दोस्तों, तो 20 था, 20 लाख और 25 लाख, कितना का कमी आया है, तो 5 का कमी आया है। कितना पे दोस्तों, तो 2000, 2000 में कितना है दोस्तों, तो 25 लाख से, 25 लाख पे मल्टीपल 100 करते हैं दोस्तों, परसेंटेज के लिए ना, तो 25 फोर जा 100, अब 4 5 जा 20। कहने का मतलब दोस्तों कि कितना, 20% का कमी देखने को मिला है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ दोस्तों, सॉल्व हो गया। आंसर कितना आया, 20% का कमी देखने को मिला है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2001 तथा 2002 में बी प्रकार के टायर के उत्पादन संख्या में अंतर क्या था। सिर्फ क्या बोल रहा है, अंतर, यानी कि डिफरेंस निकालना है।
कौन सा प्रकार का टायर है? तो बी प्रकार का टायर है। 2001 और 2002 को देखेंगे, 2001 और 2002 में टायर बी प्रकार का टायर का डिफरेंस निकालना है दोस्तों। तो इसको हमको ग्राफ में मूवमेंट करना होगा। ग्राफ पे डायरेक्ट आते हैं, ग्राफ में 2001 और 2002 था, 2001 और 2002, 2001 ये है, 2002 ये है दोस्तों। तो हमको क्या बोल रहा था, बी प्रकार का टायर। तो बी प्रकार का टायर दोस्तों यहाँ देखते हैं तो कितना है दोस्तों, 25 है, और यहाँ 2002 में देखते हैं दोस्तों तो आपका कितना है दोस्तों, 35 है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 और 35 का डिफरेंस 10 आता है, यानी कि 10 लाख आ जाएगा। मेरा डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आएगा तो 25, 2001 में कितना था दोस्तों, 25 था, और 2002 में 35 था दोस्तों। तो हमसे डिफरेंस पूछा था दोस्तों, तो बड़ा में से छोटा को क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं। तो 35 - 25 इजकल टू 10 लैक्स में आएगा दोस्तों, LAKHS लैक्स, 10 लैक्स हो जाएगा आंसर। मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 10 लैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों मूवमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है देखिए दोस्तों, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में सभी प्रकार के टायर के उत्पादन में अधिकतम कमी हुई है? बोल रहा है ऑल टाइप्स, सभी प्रकार के टायर में अधिकतम कमी दोस्तों, मतलब सबसे ज्यादा किस प्रकार का टायर है दोस्तों जिसमें अधिकतम कमी आए, किस वर्ष, मतलब ऑल प्रकार का टायर है दोस्तों और किस वर्ष सबसे ज्यादा कमी देखने को मिला है, कौन सा ईयर है जिसमें सबसे ज्यादा कमी देखने को मिला है दोस्तों। तब क्या करेंगे दोस्तों, हम ग्राफ में आते हैं और ग्राफ में ऑल टाइप्स का क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ऐड करेंगे दोस्तों तो 1999 है दोस्तों, 1999 में कितना टाइप्स है, तो ये इसका 25 है, ये 20 है, और ये 30 है, 30, 20, 50, या 50, 25, 75, मतलब मेरा 1999 कितना आया, 75 आया। 2000 में ऐड करते हैं दोस्तों तो ये 20 है और ये 30 है, ये 25 है। तो 20, 30 और 25, ये भी दोस्तों आपका हो गया 75, ये भी कितना हुआ 75। 2001 में देखिएगा दोस्तों तो 30 है, 25 है और 20 है, तो 30 है और 20 है, 25 है, ये भी दोस्तों आपका 75 ही आता है। उसके बाद 2002 में देखिए दोस्तों तो कितना है, 35 है, 30 है और 25 है, तो कितना कितना है, 30 है, 35 है, तो हो गया 65, और 65 और 25 दोस्तों हो गया आपका 65 और 25, 65, 75, 20, 90, ये दोस्तों कितना हुआ, 90 हुआ। 2003 में देखिए दोस्तों तो कितना कितना है दोस्तों, ये आपका तो ये कितना है, 30 है, और ये कितना है, 25 है, और ये कितना है, 15 है, 15 है, ये 25 है और 30 है, तो 15 और 25, 40, अब 40 या 30, 70, कहने का मतलब दोस्तों ये 70 है। तो ज्यादा हम कहाँ देख रहे हैं, तो 2002 to 2003 में देख रहे हैं दोस्तों, तो कमी देखने को मिल रहा है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2003 आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 2003 कमी देखने को मिला, अधिकतम कमी तो 90 से, एक बार डायरेक्ट देखिए तो 30 हो रहा है, 90 से कितना हो रहा है, 70 हो रहा है, सॉरी 90 से कितना हो रहा है, 70 हो रहा है। तो सबसे ज्यादा कमी देखने को कब मिला है, 2003 ईस्वी में, 2003, 2003 वर्ष में हमको सबसे ज्यादा कमी देखने को मिला है। ये क्वेश्चन मेरा क्या हुआ दोस्तों, सॉल्व हो गया। यही क्वेश्चन था 3 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, तो 2003, ये हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों मूवमेंट करते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में सी की तुलना में बी का प्रतिशत अधिकतम है? हमको कौन सा ईयर है जो सी की तुलना में दोस्तों बी का प्रतिशत क्या है, अधिकतम है, सी से कंपेयर करना है दोस्तों, सी से कंपेयर करना है, किस वर्ष, कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें सी की तुलना में बी का प्रतिशत सबसे अधिक होना चाहिए दोस्तों। तो ग्राफ की ओर मूवमेंट करते हैं, तो सी और बी का कंपेरिजन करना होगा दोस्तों, सी से बी। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, ब्लैक वाला सी है और व्हाइट वाला क्या है दोस्तों, तो बी है, अधिकतम बोला है, या तो लो होगा या तो
हाई होगा, लेकिन बोल रहा है दोस्तों अधिकतम बोला था। एक सेकंड दोस्तों, फिर से क्वेश्चन। बोला है उत्पादन में अधिकतम, अधिकतम है अधिकतम दोस्तों, अधिक मतलब कि ग्रेटर होना चाहिए दोस्तों, लेस नहीं होना चाहिए, यानी कहने का मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, तो सी से क्या है ये, सी क्या है दोस्तों, यहाँ तो बी से कम ही है, तो ये होगा नहीं, डायरेक्ट काट दिए, काट दिए। यहाँ देखते हैं दोस्तों, तो सी जो है, सी से क्या है, बी ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है, तो 5 का ग्रेटर है, तो 5 यहाँ ग्रेटर है, कितना पे, सी में कितना है दोस्तों, तो 25 है, मल्टीपल 100 करते हैं, तो 25 4 जा, अब 4 5 जा 20, कहने का मतलब दोस्तों कि यहाँ 20% हुआ 2000 में, 2000 ईस्वी में। यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ कितना होता है, तो 5 है, 5 बढ़ रहा है दोस्तों, कितना पे, तो 20 पे, सी का 20 है, और मल्टीपल 100, तब 25 जा, अब 5 5 जा 25, यानी 2001 में आपका 25 वृद्धि हुआ। 2002 में देखते हैं दोस्तों, तो 10 बढ़ रहा है, कितना पे बढ़ रहा है, 10, तो ये आपका 25 पे बढ़ रहा है, 25, यानी कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ आपका कितना बढ़ा था, 20 बढ़ा था, यहाँ 25 बढ़ा था, और यहाँ आपका 10 बढ़ रहा है, कितना पे, सी का कितना है, 25 है, और मल्टीपल 100, यानी 25 4 जा, और 4 10 जा आपका 40, यानी कि 2002 में कितना हुआ, 40, और ये तो कम है, ये तो होगा नहीं, तो सबसे ज़्यादा ग्रेटर कौन सा है दोस्तों, तो 40 है, 40 कौन ईस्वी का है, तो 2002 का है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2002, ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व कर, समझ गए। तो दोस्तों नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या था, सी फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, 2002 ईयर हमसे पूछ रहा था, तो 2002 आंसर हो गया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों मूवमेंट करते हैं, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, कि वर्ष 1999 मतलब 1999 और 2000 से सी प्रकार का टायर का कुल उत्पादन, मतलब 1999 और 2000 में सी प्रकार का टायर का कुल उत्पादन, और 2001 में बी प्रकार के टायर का कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, मतलब 1999 और 2000 में सी प्रकार का टायर का कुल उत्पादन को निकाल लेंगे और ऐड कर लेंगे, और 2001 में बी प्रकार का टायर का उत्पादन से कितना प्रतिशत है, अधिकतम नहीं बोला है दोस्तों, कितना प्रतिशत है वो बोला है, तब मतलब बी को अपॉन में रखना होगा, और सी वाला को क्या करना होगा, ऊपर रखना होगा, उसके बाद मल्टीपल 100 कर लेंगे, हो गया, परसेंटेज निकल जाएगा दोस्तों। आते हैं ग्राफ पे, डायरेक्ट हम ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ क्या है, यहाँ कौन सा था दोस्तों, 1999 और 2000, 1999 और 2000 में यही था दोस्तों, 1999 और 2000 में सी का, तो 1999 यहाँ है दोस्तों, 2000, 1999 और 2000 में सी प्रकार का ऐड करेंगे, तो यहाँ 20 है और यहाँ 30 है, तो 20 और 30 हो गया दोस्तों 50, क्या हुआ दोस्तों, 20 30 हुआ 50, और 2001 का बात था, बी प्रकार का बात था, तो बी प्रकार, सॉरी एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ सी है 2000, हाँ हो गया, मतलब दोस्तों यहाँ 1999 और 2000 में सी था, तो यहाँ 30 है और यहाँ 25 है, तो 30 25 55 कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, और 2001 में बी है, बी प्रकार का व्हाइट वाला लेंगे, तो कितना है, 25 25, अब मल्टीपल क्या कर लेंगे दोस्तों, 100 कर लेंगे, तो 25 4 जा, अब 4 55 जा, तो 54 जा 200, 54 जा 20, यानी कि 220 कितना प्रतिशत हो गया दोस्तों, तो 220%, मेरा क्या हुआ दोस्तों, आंसर 220% हो गया, ये भी क्वेश्चन मेरा बन गया, मेरा आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो 220% हुआ। 5th नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन जो 5th नंबर था, उसका कितना परसेंटेज हुआ मेरा आंसर, तो 220%, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट
कमेंट करके बताइएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और उसके बाद दोस्तों सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आता रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।